तो चलो जल्दी से करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर। सो बॉक्स ओपन करने के बाद आप एक ग्लव और हमारा टैबलेट दिखाई देता है। सो बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ ये सब कंटेंट देखने को मिलता है जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे मेन डिवाइस से जो कि हमारा ग्राफिक टैबलेट। तो हमें ग्राफिक टैबलेट पे तीन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं पावर पैन और कीज के लिए। देन हमें यहाँ पे टैबलेट पे चार डॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके वर्किंग एरिया को इंडिकेट करती हैं कि आपको कहाँ पर इस टैबलेट पे ड्रॉ करना है। देन आपको राइट हैंड की तरफ यहाँ पर वीक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। फिर लेफ्ट में आपको यहाँ पर 12 कस्टमाइजेबल कीज देखने को मिल जाती है जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। टैबलेट का जो मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट है वो है हमारा ये रोटेशन व्हील। तो इस व्हील पर आप चार फंक्शंस को मैप कर सकते हो। तो आप मिडल बटन को क्लिक करके उन चार फंक्शंस को यूज़ कर पाओगे, स्विच कर पाओगे, देन उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे इस व्हील को रोटेट करके। टैबलेट की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी थिक स्टिफ बिल्ड क्वालिटी है। बैक में देखें तो यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर्स पर रबर ग्रिप्स देखने को मिलती हैं जो कि आपको सरफेस पर काफ़ी अच्छा ग्रिप देंगी। तो आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आपको टैबलेट वगैरह खिसकने के चांसेस कम हो जाएंगे। और यहाँ पर बीच में आपको कुछ टैबलेट के बारे में डिटेल्स दी गई, सीरियल नंबर वगैरह। यहाँ पर थिकनेस की बात की जाए तो काफ़ी स्लिम टैबलेट है और वेट भी काफ़ी कम है टैबलेट का, ठीक है, ज़्यादा कोई वेट नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है, आपको यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमें बॉक्स में देखने को मिलता है वो हमारा ये पेन। तो पेन पर फिजिकल ये देखा जाए तो यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिलते हैं जिनको कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो भी आप फीचर को मैप करना चाहते हो इन बटन्स पर कर सकते हो। पेन पे भी आपको VEIKK की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और जो पेन का सबसे हाईलाइट फीचर है वो है कि हमारा ये पेन एक बैटरी लेस पेन है, तो आपको इस पेन में बैटरी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पेन है इसमें आपको 8192 लेवल्स की प्रेशर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो एक प्रेशर सेंसिटिव पेन है, तो आप जितना प्रेशर लगा के इस पेन से लिखोगे उतना आपका हिसाब से स्ट्रोक ड्रॉ होता है। तो जितना आप लाइटर प्रेशर लगाओगे उतना आपका लाइट स्ट्रोक आएगा, जितना आप हाई प्रेशर लगाओगे उतना आपका डार्कर या थिक स्ट्रोक ड्रॉ होता है। तो आपको ये कवर देखने को मिलता है जिसमें कि आपने पेन को रखा होगा और उस पर भी आपको VEIKK की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एक्सेसरी की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ये केबल, जिससे कि आप अपने टैबलेट को पीसी से कनेक्ट कर पाओगे। तो केबल की सबसे अच्छी बात है कि जो केबल है इसमें आपको कनेक्टर एल शेप कनेक्टर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने में। तो आप किसी भी ओरिएंटेशन में टैबलेट को यूज़ करो, चाहे आप लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, तो केबल क्योंकि हमारे टाइप से रहते हैं रिवर्सिबल रहती है, तो किसी भी ओरिएंटेशन में आप टैबलेट को यूज़ करो तो आप केबल को ईजिली मैनेज कर पाओगे। तो ये भी अच्छी बात है। और आपको केबल के यहाँ पे लेंथ देखने को मिलती है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो हमारी केबल की लेंथ यार लंबी हो जाए वो चलेगा, पर छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेंथ भी आपको अच्छी काफ़ी अच्छी लेंथ देखने को मिलेगी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द नेक्स्ट हमें एक्सेसरी यहाँ पे देखने को मिलती है निप्स का स्टैंड या फिर निप्स का केस। तो इसमें पहले से ही कुछ निप्स यहाँ पर हमारी रखी हुई आती हैं। देन हमारा इसमें एक ऊपर एक पार्ट आता है, इसको आप अगर बंद कर दोगे तो ये आपके पेन के स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसमें कि आप अपना पेन रख सकते हो। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट डिज़ाइन किया है इन लोगों ने, तो आपके निप्स भी इसमें हिडन रहेंगी। तो जब भी आपको निप्स को यूज़ में लेना है तो आप इजीली इसको ओपन करके निप्स को यहाँ पे यूज़ में ले पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा निप्स। तो यहाँ पर VEIKK को बहुत बड़ा थैंक यू, VEIKK ने यहाँ पर निप्स में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो हमें ये कुछ एक्स्ट्रा निप्स भी देखने को मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता आपको एक डेढ़ साल तक कोई निप्स की जरूरत होने वाली है, तो VEIKK ने काफ़ी निप्स आपको प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है निप रिमूवल टूल। तो इससे आप अपने निप को पुल कर पाओगे, इसको बस निप में इंसर्ट करना होता है और ऊपर की तरफ पुल करना होता है, तो आप अपनी निप को ईजिली निकाल पाएंगे इससे। और इंसर्ट करने के लिए बस हमारे हाथ ही काफ़ी है, तो बस आपको निप को लगाना है पेन में और अंदर की तरफ पुश कर देना तो आपकी निप लग जाएगी। सो नेक्स्ट एक्सेसरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो है हमारा ग्लव। तो इसमें आपको एक ग्लव देखने को मिलता है, तो आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो, नहीं पहनना तो कोई बात नहीं। पर ग्लव का जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। तो इसको पहनकर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपके हाथ में स्वेटिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा ना, टैबलेट का सरफेस गंदा नहीं होगा। आप इसको पहनोगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्लाइड मिलेगा सरफेस पे, तो आप काफ़ी इजीली ड्रॉ कर पाओगे सरफेस पर। और ये जो ग्लव है ये लेफ्ट हैंड हो राइट हैंड हो किसी भी हाथ से आप ड्रॉ कर रहे हो किसी भी हाथ में पहन सकते हो। देन फिर हमको जो देखने को मिलती है वो है क्विक स्टार्ट गाइड। तो ये हम लोग यूट्यूबर्स के लिए तो भैया ये दुश्मन है हमारी, अगर ये तुम लोगों ने पढ़ ली तो वीडियो बनाना ही बेकार हो जाएगा। तो अगर पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, बहुत ज्ञान रहता है इनके अंदर, पर वीडियो देख लो यार, सब मैं बता ही रहा हूँ तुमको।
देन हमको एक एक्स्ट्रा कार्ड देखने को मिल जाता है जिसमें की डिटेल्स दी गई हैं कि आपको इस टैबलेट का ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है। तो सारी डिटेल्स दी गए हैं, तो आप पढ़ के देख सकते हो, बाकी मैं वीडियो में तो बता ही रहा हूँ। तो फर्स्ट आपको जो कार्ड दिया गया था उस पर जो वेबसाइट दी गई है, आपको उस वेबसाइट पर जाना है जो कि है VEIKK.com में जाकर आपको ऊपर की तरफ डाउनलोड सेक्शन दिखेगा। डाउनलोड सेक्शन में जाकर आपको ड्राइवर पर क्लिक करना है। देन ड्राइवर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ड्राइवर डाउनलोड करने के दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको मैक के लिए डाउनलोड करना है, विंडोज़ को डाउनलोड करना है। तो हम लोग विंडोज़ में यूज़ करने वाले, तो आपको विंडोज़ वाला डाउनलोड कर लेना है। सो ड्राइवर जब आपके कंप्यूटर पर आप डाउनलोड कर लो, तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जैसे आप इंस्टॉल करते हो वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो बस आपको ओपन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो हम भी कर लेते हैं, तो बीच में कोई पॉपअप वगैरह आता है तो आप इसको देख सकते हो, वहाँ पर अलाउ कर देना। जैसे आपका यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने टैबलेट को अपने पीसी से कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आपने टैबलेट को पीसी से कनेक्ट करोगे, अपने ड्राइवर्स को ओपन करके देखोगे, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स ने डिटेक्ट कर लिया है कि आपका टैबलेट कौन सा है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पर आपको लिख के आ रहा है A15 Pro आपका यह टैबलेट है, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है। फिर लेफ्ट की तरफ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको चार टैब देखने को मिल जाती हैं। तो फर्स्ट है आपका पेन, दूसरा है आपका मैपिंग, तीसरा फंक्शंस और चौथा है अबाउट अस। ठीक है, तो ये कुछ चार हमें यहाँ पर टैब्स देखने को मिल जाती हैं। तो फर्स्ट पेन टैब की बात करें तो यहाँ पर आप अपने पेन की जो प्रेशर सेंसिटिविटी है उसको कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पेन की सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सेंसिटिविटी ग्राफ, तो इसमें आप अपने ट्विक कर सकते हो अपनी पेन की सेटिंग्स को कि कितना कम प्रेशर लगाने पे कितने लेवल पर आपका पेन पहुंच जाए। ठीक है, कितना लाइट प्रेशर पे कितना डार्क स्ट्रोक ड्रॉ हो, तो ये सब आप कुछ यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट सेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो कॉन्फ़िगर। फिर आप यहाँ पर जो आपकी पेन पर कीज़ दी गई हैं आप उनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो आप जो भी फंक्शन को सेट करना चाहते हैं उन कीज़ पे आप इजीली कर पाओगे। देन सेकंड आपके जो टैब है मैपिंग, तो सेकंड टैब में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आप अपने टैबलेट को कौन से ओरिएंटेशन में यूज़ कर रहे हो, आप राइट हैंड हो कि लेफ्ट हैंड हो, तो जिस भी आपको मोड में यूज़ करना है उस मोड में यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो चार डॉट्स हैं वो आपके मॉनिटर के चार कॉर्नर्स को पॉइंट करता है। तो आप अगर टैबलेट के कॉर्नर पर उस डॉट के पास ड्रॉ करोगे तो आपके मॉनिटर के भी कॉर्नर पर आपका कर्सर जाएगा। देन राइट में आप देख सकते हो आपके मोड देखने को मिल जाते हैं, पेन मोड देखने को मिलता है, माउस मोड देखने को मिलता है, नीचे आपको स्क्रीन मैपिंग और वर्किंग एरिया, और नीचे लास्ट में आपको यहाँ पर विंडोज़ का इंक फंक्शन भी इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड हमारा जो टैब है वो है फंक्शंस वाला, तो इसमें आप देख सकते हो अपने टैबलेट में जितनी भी कीज़ हैं, तो टोटल 13 कीज़ है। सो 12 कीज़ आपकी नीचे की तरफ है और जो 13th की है वो आपके ये व्हील के बीच में है। तो आप सारी 13 कीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी आपको फंक्शन मैप कर रहा है उन कीज़ पर आप कर सकते हो। डायल में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप चार फीचर्स को असाइन कर सकते हो डायल के ऊपर, और मिडल जो आपके की है आप उससे इन चारों फीचर को स्विच कर पाओगे। तो अभी ये जो कीज़ पे जो फंक्शन सेट है ये ग्लोबली सेट है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप की प्रोफाइल नहीं बनाते हो, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की प्रोफाइल नहीं बनाते हो, तो आप उस सॉफ्टवेयर की यूज़ करोगे तो इन्हीं कंट्रोल्स के हिसाब से ये कीज़ काम करेंगी। पर आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इन कीज़ को अलग हिसाब से काम करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस का ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद उस सॉफ्टवेयर की यहाँ पर एक सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, और उस सेपरेट प्रोफाइल में आप पर्टिकुलर कीज़ को अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो, और फिर वो सॉफ्टवेयर में उसी हिसाब से काम करेगी। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। और लास्ट हमारा जो टैब है अबाउट अस का, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ड्रॉ करके। तो अभी हमारे आते हैं फोटोशॉप पे आ गए हैं, अभी आप देख सकते हो कि ये पहले तो व्हील को, अब जैसे देखो मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ ब्रश का साइज़ है कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये फ़ायदा रहता है यहाँ पर व्हील का। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि आप टैबलेट पे कोई भी की को प्रेस करते हो, कोई भी फंक्शन को यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इंडिकेशन आता है। तो जैसे ही आप ब्रश का साइज़ बढ़ाओगे या जूम करोगे, कोई भी की प्रेस करोगे, तो नीचे आपको लिख के जाता है। तो ये भी बढ़िया बात है कि आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। तो अभी देखो मैं आपको कुछ स्ट्रोक दिखाता हूँ ड्रॉ करके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितना मैं लाइटर स्ट्रोक, जितना मैं लाइट प्रेशर लगा रहा हूँ उतना लाइटर स्ट्रोक ड्रॉ हो रहा है, और जितना मैं ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ उतना डार्कर स्ट्रोक ड्रॉ हो रहा है। तो ऐसे कुछ स्ट्रोक्स देख सकते हो आप, ऐसे कुछ स्ट्रोक्स ड्रॉ हो रहे हैं। भाई तुम्हारा, तुमको एक आर्ट दिखा के बना के दिखाता है, ठीक है भाई, आर्टिस्ट है तुम्हारा, ठीक है, छोड़ चुके हैं आर्ट तो क्या हुआ भाई, अपन पेंटर थे अपने टाइम में। तो ये देखो, देखो देख लो भाई आर्ट क्या ज़बरदस्त आर्ट है, आर्ट ये देखो सागर 2021 अभी होगी नीलाम भाई तुम्हारी पेंटिंग, ठीक है देखो भाई, और शेडिंग खाऊँ तुम बोलो,
देख लो, मतलब पेंट का मैं छोड़ दूंगा भाई, टैलेंट अपना बहुत था वो, देख लो भाई क्या ड्रॉ किया भाई ना फूल। सो यू कैन यूज़ दिस टैबलेट इन स्मार्टफोन ऑल्सो। तो बस स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास एक OTG कनेक्टर हो, जिससे कि आप अपने टैबलेट को फोन से कनेक्ट कर पाओ। फोन से कनेक्ट करने के बाद आपको अपने OTG को फीचर को इनेबल कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका OTG का फीचर इनेबल हो। टैब डिटेक्ट हो जाता है तो आप टैबलेट पर अपने पेन को मूव करोगे तो आप देख सकते हो आपके फ़ोन में एक कर्सर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अपने स्मार्टफोन में भी आप प्रेशर पेन को यूज़ कर पाओगे। अपने फ़ोन में जब आप यूज़ करोगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको इसको पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करना है। सो यार ये था हमारा वीडियो, आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब और वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और यार एक बहुत ही दुखद समाचार कि YouTube ने हमारा कुछ दिन पहले एक वीडियो डिलीट कर दिया था, जो कि मेरे चैनल का मोस्ट वॉच वीडियो था, जिसकी वजह से चैनल पर हमारे व्यूज़ आ रहे थे। तो वो वीडियो YouTube ने कर दिया है डिलीट, तो उसकी वजह से चैनल हो गया हमारा ठप, अब व्यूज़ हमारे ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। तो अगर तुम लोग उस वीडियो को ढूंढ रहे थे जिसमें कि मैंने बताया था कि YouTube प्लेलिस्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो अगर उस वीडियो को तुम लोग ढूंढ रहे थे तो मैंने उसे वापस से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो को देख सकते हो। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी जाके देखो यार, काफ़ी बढ़िया ट्रिक बताई मैंने उसमें। सो बस यही मुझे बताना था। सो दैट्स इट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। तो सूचना जनित में जा रही है, कोरोना चल रहा है, आपको मास्क लगाना है, ठीक है, चश्मा मैं लगाता हूँ, लगा दिया है। वाह वाह सागर उधरिया, वाह क्या बनाया है, वाह वाह सागर वाह, ड्राइंग है भाई की यार, क्या ड्राइंग की भाई ने। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working